हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा तिवारी। आज आप लोगों को मधुबनी पेंटिंग्स में सबसे पहले मैं आपको कुछ कुटीज़ में डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्री हैंड डिज़ाइनिंग करते हैं आज, तो वो चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो चलते हैं, हम कुछ आपको दिखा रही हूँ कि नेक के एरिया में मैं कुछ डिज़ाइन अभी मैंने थोड़ा सा ड्रा किया है और बाकी मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने नेक लाइन पे एक डिज़ाइन बनाए हैं, ये देखिए, ये एक पैटर्न बनाया है जो इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटिव्स फिस का उठाया है, यहाँ पे लोटस बनाया है, बाकी और आगे मैं आपको कुछ पैटर्न को करके दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुर्ती के बीच में एक कोई भी मोटा गत्ता आप रखेंगे या कोई भी फाइल हो तो वो रखेंगे। मैंने फाइल रखा है ताकि मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये दूसरी साइड में इसका छापना आ जाए, फिर डिज़ाइन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बीच में ध्यान से आप कुछ ना कुछ चीज़ें, मोटी चीज़ें रखिए ताकि वो दूसरी साइड भी उभर के ना आए। अब देखिए, एक तो मैंने फिस बनाया, एक लोटस बनाया, अभी मैं एक फिस आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आप कोशिश कीजिए हमेशा फ्री हैंड बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को दिख भी रहा होगा अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ से फिस का डिज़ाइन कर रही हूँ। मैं हाफ फिस बना रही हूँ, इसमें फुल कंप्लीट फिस नहीं बनाऊंगी, ये हाफ फिस का पैटर्न मैंने लिया हुआ है। मैं जब भी कुछ नया स्टार्ट करती हूँ मैं सोचती हूँ कि उसका वीडियो बनाकर जरूर आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को भी मदद मिले कुछ बनाने के लिए, आप लोग भी कुछ और नए नए क्रिएटिव चीज़ें बनाते रहे। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो हमेशा आप लोग भी जो भी कुछ बनाएं, हाँ पूरा तो बनाकर वीडियो डालना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, तो आप थोड़े थोड़े भी मोटिव्स आप बनाएं और वीडियो में डालें ताकि लोगों को मदद मिले। ये देखिए, ये मैंने इसमें फिर डबल लाइन बना दिया। आप लोग मेरी पिछली भी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने एक बेसिक से स्टार्ट किया था, मैंने उसमें और भी चीज़ें दिखाई थी आपको, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। आप लोग और भी, आप मेरे पीछे की वीडियो को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम का अभाव हो जाता है, मैं कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाती, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश होती है अपनी तरफ से तो करती ही हूँ। ये देखें, आप लोग मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जितने आप आगे बांटोगे लोग और भी सीखेंगे देखकर। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे फिस के आईज बना दी। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं जस्ट अरे मम्मा, ये हमने बना लिया फिस का डिजाइन बना लिया। इसकी फिलिंग वर्क हम साथ में आपको थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं। जो इसकी फिस की बॉडी होगी, बॉडी में मैंने सी के टाइप का डिज़ाइन लिया हुआ है। सी इन द सेंस, एक छोटे छोटे हाफ सर्कल टाइप का डिज़ाइन बनाए और उस डिज़ाइन से आप पूरा फिल कर देंगे। आप चाहे तो कुछ और भी अपनी मर्जी का पैटर्न ले सकते हैं इसमें। ये मैंने बनाया, यहाँ पे मैं सर्कल सर्कल का पैटर्न ले रही हूँ। यही सेम चीज मैं इधर भी कर रही हूँ। ये तो हमारा फिस कंप्लीट हो गया। कलरिंग का पार्ट जो है वो हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट ब्लैक से जितना भी काम होता है वो पहले हम कंप्लीट करते हैं, कलर का पार्ट हम बाद में करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक लोटस का पैटर्न बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से हम लोटस बनाते हैं। लोटस में क्या होता है कि हमें सेंटर पार्ट सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, एक आपको आइडिया से बनाना होगा ये लोटस कि आपने जो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले जो लोटस बनाया हुआ है मैं इसी साइज का बनाने की सोच रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से, मतलब एक आइडिया से मैंने लोटस लिया है। यहाँ पे जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर यूज़ किए हुए हैं और मैंने 000 का ब्रश लिया हुआ है। वन लीफ, टू लीफ एंड थ्री लीफ का मैं यहाँ पे बना रही हूँ। कोशिश कीजिए दोनों साइड में आप इक्वल लीफ रखने की कोशिश करेंगे। मैं
मेरी ऑनलाइन भी पेड क्लासेस चलती है, आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो पेड क्लासेस करने में मधुबनी पेंटिंग्स एंड अदर क्राफ्ट के लिए, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9015978071। आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे इंटरेस्टेड अगर कोई भी होते हैं तो। अब इसमें देखेंगे आप, मैं क्या कर रही हूँ कि डबल लाइन में तैयार कर रही हूँ, ये देखिए। वैसे तो रेड में ब्लैक कलर से ही काफी अच्छा लग रहा है। हमारे लिए 2021 में सबसे अच्छी बात हुई कि वैक्सीन आ गया, वो बहुत खुशी की बात है। ये देखिए, ये मेरा लोटस कंप्लीट हो गया, मतलब आउटलाइनिंग अभी मैंने जस्ट कंप्लीट किया है। इसके जो फिलिंग का पार्ट होगा वो मैं बाद में करूंगी, लास्ट में पहले ब्लैक का जितना भी काम हो रहा है मैं वो एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ के बाद मैंने ये तो कर लिया, अब इस एरिया में मैं ये देख रही हूँ कि एक फिस और डिजाइन हो सकता है, तो मैं एक फिस का पैटर्न यहाँ पे और बना लेती हूँ। फैब्रिक पे जब भी आप काम करें थोड़ा सा संभल कर करें और हाथों को बचाकर चलें, क्योंकि हाथ में अगर कलर लग जाता है तो वो फैलने के चांसेस होते हैं उसके। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप लोग मैसेज उसमें डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैंने ये थोड़े मोटे फिस तैयार कर लिया है, अब फिस में अंदर के जो भी डिजाइन्स होते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। मैं क्या करूँगी, यही पैटर्न को फॉलो करके मैं एक बार कंप्लीट करूँगी पूरे। ये देखिए, अब हम लोटस को कलर कर रहे हैं, इसमें येलो कलर में हल्का सा मैंने ऑरेंज का टच लिया है। ये देखिए कलर में इसमें हमने भरने का काम किया है, क्योंकि इस वाले डिज़ाइन में फिर कछनी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उभर के वो आता नहीं, तो इसे नॉर्मल हम पहले कलर में डिप करके बस भरने वाला काम कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने सारा कंप्लीट किया है, और ये लोटस कंप्लीट कर रहे हैं अभी हम। ये देखिए, ये इसमें फ्लावर में हम कलर फिल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ फ्लावर्स को कर दिया है, ये येलो कलर जब ऐसा लग रहा है, मछलियों में भी येलो कलर हमने डाल दिया है। स्लीव में काम कर रहे हैं, स्लीव में इस तरीके से भरनी बहुत करा जा रहा है, और लोटस में भी हमने भरनी कर दिया है येलो कलर का। ये देखिए ठीक है, और इस तरीके से हम दो तीन कलर का कॉम्बो बनाकर पूरी फिलिंग कर रहे हैं बॉर्डर में।